रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL विदेशी कर्जदाताओं से एक 85 अरब डॉलर 12,850 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस जियो में किया जाएगा। रिलायंस ने कहा है कि लंबी अवधि का कर्ज लेने के लिए उसने विदेशी कर्जदाताओं से एग्रीमेंट किया है। न्यूज एजेंसी ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया है कि RIL की जियो में 20,000 करोड़ रुपए लगाने की योजना है। 5G में एंट्री से पहले RIL जियो के जरिए ब्रॉडबैंड और ई कॉमर्स के लिए आधार तैयार करना चाहती है। रिलायंस ने 1,700 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के डायवर्जन के आरोपों से जुड़ी एक खबर को लेकर कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स समय समय पर CSR से जुड़ी जानकारियां मांगती रहती है। हाल ही में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, वह जानकारी देने की प्रक्रिया जारी है। कंपनी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए देश भर में CSR से जुड़ी गतिविधियां चलाती है। दूसरी एजेंसियों के साथ भी सहयोग किया जा रहा है।